परिवहन, संचार एवं व्यापार। आज हम देखेंगे क्या, परिवहन, संचार एवं व्यापार। तो पहले हम एक पॉइंट देखते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने एवं संदेश भेजने में परिवहन एवं संचार साधनों की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है। बात जाहिर सी बात है, कोई भी काम हम करते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं से आते हैं, या किसी को कुछ भेजना होता है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? पर जब कहीं जाना होता है तो किसका यूज़ करते हैं? परिवहन का यूज़ करते हैं। अगर कहीं से किसी चीज़ को हमको भेजना होता है या फिर लाना होता है तो हम संचार का, जैसे किसी से हमको बात करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? जिस टाइम में टेलीफोन नहीं हुआ करता था, फ़ोन नहीं हुआ करता था, उस टाइम में बात करने का, संचार का क्या सुविधा था? डाक व्यवस्था था। उससे पहले अगर देखें तो कबूतर का था, जो मतलब एक जगह दूसरी जगह संदेश भेजता था। एक गाना भी है, आ कबूतर आ, जा कबूतर जा, है ना? चलिए, तो उसी पे था, वो कबूतर संचार था। अब आपका आ गया आधुनिक युग आ गया है, तो आधुनिक युग में आपका मोबाइल है, टेलीफोन है, हालांकि डाक व्यवस्था भी जो है खत्म हो गया है, पोस्ट ऑफिस, टेलीविजन है, ये सब क्या है आज आपको क्या कहते हैं, ये सब आधुनिक संचार है। ईमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, FB हो गया, फेसबुक जो हो गया, ये ट्विटर हो गया, ये सब का आज मतलब हमको बात करना है आपसे, तो हाँ भैया नेट ऑन किए, तुरंत आपको व्हाट्सएप कर दिए, मैसेज कर दिए, का परिवहन का आधुनिकीकरण है ना, सॉरी संचार का। आज परिवहन का, परिवहन देखते हैं, पहले के टाइम में क्या होता था ना, जो पहले के टाइम में परिवहन में आदमी को कहीं जाना आना होता था, तो अगर यहाँ से हमको सहरसा जाना, मान लेते हैं यहाँ से हमको दिल्ली जाना है, यहाँ से हमको बम्बई जाना, कहीं भी जाना अगर होता था, तो उसके लिए काफ़ी टाइम लगता था, काफ़ी टाइम का सेंस है। अब पहले तो इतना ज़्यादा परिवहन तो नहीं था, गाड़ी घोड़ा तो था नहीं, ठीक है, आदमी जाता था, एक सिंपल सा साधन था, पहले बैलगाड़ी हुआ करता था, आदमी उसे जाता था, बहुत आदमी साइकिल से ट्रेवल करता था, बहुत आदमी पैदल ट्रेवल करता था, जिसका जैसा सुविधा था। तो आज के टाइम में इतना ज़्यादा सुविधा पहले के टाइम में नहीं हुआ करता था। आज हमारे ज़माने में, हमारे टाइम में आप देखिएगा तो आपको एक से एक गाड़ी देखने को मिलेगा, एक से एक मॉडल का मिलेगा, हालांकि हर दिन लॉन्च होता है एक ना एक मॉडल हर एक कंपनी का। वही चीज़ है, कह रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने एवं संदेश भेजने में परिवहन एवं संचार साधनों की महत्वपूर्ण भूमिकाएँ होती है। ये तो हम देख लिए। अगला पॉइंट है, परिवहन एवं संचार को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं की जीवन रेखा कहा जाता है। अब परिवहन एवं संचार को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है, ये हमको थोड़ा माइंड में भी बात मेरे हिट कर रहा है, जो ये परिवहन और संचार को ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? देखिए, परिवहन पहले के टाइम में भी होता था और आज के टाइम में भी होता है। तो पहले परिवहन और आज के परिवहन में बहुत आसमान धरती का फर्क है। पहले का परिवहन इतना डेवलप नहीं था, आज के मुकाबले आज का परिवहन आप देखिएगा तो बहुत डेवलप है, है ना, चाहे वो जिस भी सेक्टर में जाइएगा। संचार, पहले के जमाने में भी संचार इतना डेवलप नहीं था, आज के जमाने में संचार क्या चीज वही है सर, चीज में चेंज नहीं हुआ है, बस क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन हो गया, बस हल्का सा चेंज कर दिया, उसको मॉडिफाई कर दिया, बस वही चीज है, चीज वही है। संचार पहले भी होता था, संचार आज भी होता है। पहले भी संदेश भेजते थे, अगर कोई सुविधा नहीं होता था तो कबूतर के थ्रू हम क्या करते थे, उसको संदेश भेजते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है ना कि बहुत सारा आगे आपको ईमेल है, जीमेल है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, FB है, इंस्टा, बहुत सारा है, सोशल मीडिया ऐप है जिसके थ्रू आप संचार कर सकते हैं, टेलीविजन पे बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये चीज है, ठीक है ना। तो अब देखिए है क्या ना कि परिवहन को कितने भाग बांटा गया, परिवहन का ही प्रकार होगा, फिर हम देखेंगे संचार का, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं परिवहन का, परिवहन क्या है, परिवहन के प्रकार कितने होते हैं, किस आपके परिवहन, कौन से परिवहन किस में आते हैं, ये चीज हम देखेंगे। परिवहन आज से नहीं, सदियों से परिवहन हमारे, हम आप सब यूज़ करते आ रहे हैं। हाँ, ये है जो तरीका अलग है, पहले क्या था, पहले परिवहन का उतना अच्छा तरीका नहीं था, उतना ज़्यादा डेवलप परिवहन नहीं था। आज के टाइम में आधुनिकी के कारण, आधुनिकीकरण के कारण क्या हुआ है, परिवहन बहुत डेवलप हुआ है, चाहे वो जो भी परिवहन हो, सड़क परिवहन हो, जल परिवहन हो या वायु परिवहन हो, जो भी परिवहन है, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, ये तीन परिवहन है। इसमें जो भी परिवहन में आप देखिएगा, चाहे वायु देखिए या फिर आप स्थल देखिए या जल देखिए, जो भी देखिएगा, तो सब में ना कुछ ना डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, पहले के मुकाबले आज में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, समझे। तो आज इसको देखना है कि आज देखना है परिवहन, तो हम चलिए देखते हैं टॉपिक की तरफ, चलते हैं। परिवहन कितने प्रकार है, परिवहन को बांटा कितने प्रकार में गया, तीन प्रकार में बांटा गया, जैसा कि हम पहले बताए थे। परिवहन को पहला प्रकार है स्थल प्रकार, स्थल मार्ग है पहला, दूसरा है जल मार्ग, तीसरा है वायु मार्ग। तो हमको ऐसा याद रखना है परिवहन को कितने भाग बांटा गया है, तो तीन भाग में, पहला कौन सा स्थल, दूसरा कौन सा जल, तीसरा कौन सा वायु। यहाँ तक तो क्लियर है ना, चलिए अब देखते हैं ये स्थल मार्ग में कौन कौन से मार्ग आते हैं। तो आपको स्थल मार्ग में पहला सड़क आएगा, सड़क मार्ग, रेल मार्ग और पाइपलाइन। अब देखिए ये सड़क मार्ग, रेल मार्ग, पाइपलाइन, ये सब किस पे, पाइपलाइन कहाँ बिछाया जाता है, हवा में तो नहीं रखा जाता है ना, उसको स्थल पे रखा जाता है ना, जमीन पे रखा जाता है ना। रेल का पटरी कहाँ बनता है, हवा में, ऊपर,
नहीं जमीन पे ना, तो ये भी किसके श्रेणी में आएगा, स्थल परिवहन के श्रेणी में आएगा। रेल मार्ग भी सड़क, सड़क कहाँ बनता है, जमीन पे ना, मिट्टी पे ना, सड़क जमीन पे ही बनेगा ना। तो सड़क किस परिवहन में आया, स्थल मार्ग में आया। यहां तक तो क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है जल मार्ग। जल मार्ग में आंतरिक जल मार्ग और अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग। अब आंतरिक जल मार्ग क्या है, नहर है, नदी है वो, और अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग क्या होगा, जो समुद्र जिसको बोलते हैं, समुद्र में जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री व्यापार होता है जिस मार्ग के थ्रू होता है, तो अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग के थ्रू होता है। क्लियर है। उसके बाद है अगला है वायुयान, वायु मार्ग। वायु मार्ग में कौन सा है, घरेलू है, दूसरा है अंतरराष्ट्रीय। घरेलू कौन सा है, इंडियन एयरलाइंस, इंडिया, ये सब कौन सा है, घरेलू वायुयान है वायुमार्ग। अंतरराष्ट्रीय कौन सा है, एयर इंडिया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए रेल परिवहन का हम कुछ देख लेते हैं। रेल परिवहन को तीन भाग बांटा गया है, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, छोटी लाइन। सबसे पहले हमारे चलता कौन सा था, छोटी लाइन। क्लियर है। उसके बाद फिर कौन सा आया, मीटर लाइन। फिर अब कौन सा आया, बड़ी लाइन। ठीक ना, तो बड़ी लाइन का 1.67 मीटर। उसके बाद आपको मीटर लाइन का कितना एरिया होना चाहिए, 1.0 मीटर। छोटी लाइन का 0.62 से लेकर के 0.672। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये देखते हैं परिवहन, परिवहन मतलब परिवहन कहते किसको है। तो परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान किसी चीज, किसी वस्तु को ले जाने या ले आने के लिए जो हम चीज, जो भी चीज हम प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, वो परिवहन कहलाता है। परिवहन के कितने प्रकार है, परिवहन के तीन प्रकार है। पहला कौन सा, सड़क परिवहन। दूसरा कौन सा, आपको जल परिवहन। तीसरा कौन सा, वायु परिवहन। तो सड़क परिवहन के भी तीन प्रकार हैं, रेल, सड़क, रेल और पाइपलाइन, ये स्थल परिवहन के हैं। तीसरा कौन, दूसरा कौन सा है, जल मार्ग। जल मार्ग के भी दो हैं, आंतरिक जल और अंतर्राष्ट्रीय। और वायुयान के कितने हैं, दो हैं, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय। घरेलू पॉइंट एक था जो रेल को, रेल को तीन भाग बांटा गया, पहला बड़ी लाइन, दूसरा मीटर लाइन, तीसरा छोटी लाइन। सबसे पहले बड़ी लाइन था, फिर मीटर लाइन आया, फिर बड़ी लाइन आया, अभी चल रहा है बड़ी लाइन। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हम मार्ग तीन देखे थे, पहला था स्थल मार्ग, दूसरा था वायु मार्ग, तीसरा था आपको जल मार्ग। तो स्थल मार्ग में हम देखे थे तीन प्रकार के, सड़क मार्ग, रेल मार्ग और पाइपलाइन मार्ग। तो हम थोड़ा सड़क मार्ग के पे कुछ चर्चा कर लेते हैं। पहला ये है कि पहला पॉइंट है, सड़क मार्ग परिवहन का सबसे सुलभ एवं सुगम साधन है। ये बात हम जानते हैं कि सड़क परिवहन जो है, सड़क मार्ग जो है, सो आज से नहीं, बहुत सदियों से ही सबसे सस्ता और सबसे अच्छा साधन रहा है। किसका, परिवहन का। ये चीज क्लियर है ना, आज से नहीं, आज अब कभी भी अगर देखिएगा तो आदमी पहले के टाइम में भी आपको सड़क का ही यात्रा ज्यादा अच्छा मानते थे, और आज के टाइम में भी सड़क का ही मार्ग सबसे सस्ता भी होता है परिवहन का, और सबसे अच्छा भी होता है। अगला पॉइंट है, देखेंगे हम ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक ना, जो कि भारत की सबसे पुरानी सड़कें हैं। भारत की सबसे पुरानी सड़कें कौन है, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक ना, जो कहां से कहां, कोलकाता से अमृतसर, जो वर्तमान में, वर्तमान नाम उसका है NH1 एवं NH2। NH1 और NH2 का पुराना नाम क्या है, ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या नाम है, ग्रैंड ट्रंक रोड का आज का वर्तमान नाम क्या है, NH1 और NH2। अगर क्वेश्चन कहीं पूछ दिया जो NH1 और NH2 किसका नाम है, पुराना नाम क्या है इसका, तो ग्रैंड ट्रंक रोड नाम है। क्लियर है। उसके बाद जो कि अभी क्या कहते हैं, कहां से कहां तक है, तो कोलकाता से अमृतसर को जोड़ती है। किसे किसको जोड़ती है, कोलकाता से अमृतसर को जोड़ती है। यहां तक कोई डाउट है, क्लियर है। चलिए अगला है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH7। भारत का, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन रहा है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो NH7। कौन सा है, NH7। कहाँ से कहाँ तक, तो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है, जो कि वाराणसी को किससे जोड़ती है, कन्याकुमारी से जोड़ती है। यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहा है, पहला ये जो वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ने वाली सड़क कौन सी है, तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन सा। अगर यहाँ से पूछेगा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, NH7। NH7 किस शहर को किससे जोड़ती है, तो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ती है। यहां तक समझ में आ गया ना, क्लियर है ना। अगला देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ने वाली सड़कें हैं। मतलब ये स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क जो है, ये क्या करिए, परियोजना क्या है, भारत के चार महानगर, पहला ये दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा चेन्नई, चौथा कोलकाता। मतलब ये चार महानगर को आपस में जोड़ती है, कौन सा, तो स्वर्णिम चतुर्भुज। अगर क्वेश्चन पूछेगा जो चार महानगरों को आपस में जोड़ने वाली सड़कें कौन सी है, अगर वहां पे नाम डिक्लेयर कर देगा जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये चार महानगर को आपस में जोड़ने वाली सड़कें कौन है, क्या कहलाती है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज कहलाती है। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क है जो कि चार महानगर को, दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई को एवं कोलकाता को आपस में क्या करती है, इंटरकनेक्टेड करती है। क्लियर है।
अगला है एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे क्या था? जो वे अल्प समय में तीव्र से वाहनों के चलाने के उद्देश्य से बनाई गई थी। क्या? एक्सप्रेस वे। वहां पे क्या होता है, मतलब कम समय में आपको ज्यादा स्पीड से निकल, कहीं अगर जो इमरजेंसी, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हम करेंगे क्या, तो उस सिचुएशन में आपको एक गवर्नमेंट सड़क डेवलप की, जिसका नाम था एक्सप्रेस वे। उसका उद्देश्य ही था कम समय में ज्यादा से ज्यादा दूरी को तय करना था। मतलब मेरे पास टाइम कम है, ऐसा कुछ अगर इमरजेंसी है तो हम इस एक्सप्रेस वे के थ्रू हम जा सकते हैं, वहां पे वो बहुत कम टाइम लगेगा और गाड़ी मेरा स्पीड बहुत ज्यादा स्पीड रहता है। तो यहाँ पे आपको लिख दिया गया है एक्सप्रेस वे अल्प समय में तीव्र से वाहनों के चलाने के उद्देश्य से बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? एक्सप्रेस वे क्या है? एक्सप्रेस वे सीधी हम समझते हैं इसको, एक्सप्रेस वे क्या है? एक्सप्रेस वे है तीव्र गति से कम समय में चलने के उद्देश्य से बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय सड़क है। ठीक, उस अगला है मुंबई पुणे राजमार्ग। ये मुंबई पुणे राजमार्ग क्या है? देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग है। अगर क्वेश्चन पूछेगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का देश का पहला राजमार्ग कौन सा है, तो मुंबई पुणे राजमार्ग। मुंबई पुणे राजमार्ग क्या है? तो देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय का राजमार्ग है। इससे आपको दो पॉइंट, यहाँ दो क्वेश्चन बन रहा है इस टॉपिक से, इस पॉइंट से आपको दो क्वेश्चन बन रहा है। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि मुंबई पुणे राजमार्ग क्या है, तो देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग है। क्वेश्चन यहां से भी घुमा सकता है, जो देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग कौन है, तो मुंबई पुणे राजमार्ग है। इसका उदाहरण यमुना दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे, जो कि क्या कहते हैं यमुना एक्सप्रेस वे के नाम जाना जाता है, इसका उत्तम उदाहरण है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए।